और अब बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां पटौदी में जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला पहुंचे। इस दौरान जन सरोकार रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया। दिग्विजय चौटाला ने बताया कि सरकार ने पिछले दो सालों में बहुत से कार्य किए हैं, जिसमें 75% नौकरियों में आरक्षण, राजनीति में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी और महिलाओं के डिपो होल्डर में हिस्सेदारी भी दिलवाई गई। प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में खाली पड़े टेंटों को भरने के लिए एक बार फिर से किसान जत्थेबंदियों ने कवायद शुरू कर दी है और नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों की बॉर्डर पर पहुंचने के लिए ड्यूटी भी लगाई गई है। बता दें कि 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को एक साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में किसान नेता मन से किसानों को आंदोलन का लेखा जोखा देंगे। अधिकारियों, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी ने हमारे मुख्य अतिथि जी का सबके सिर पे ताज धरो, अमीर गरीब में सबके लिए भला। वहीं किसानों को कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। कार्यक्रमों के तहत ही सिक्का पक्का मोर्चा भी कार्यक्रम शामिल रहेंगे।